आपने ना न्यूज में बहुत बार ये सुना होगा कि शेयर मार्केट आज क्रैश हो गया। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट। या फिर इस शेयर की वैल्यू आज इतनी इतनी बड़ी है। तेज उतार चढ़ाव के साथ बाजार खुला और दिन भर बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। XYZ कंपनी ने अपना IPO शेयर मार्केट में लिस्ट किया। हर्षद मेहता का स्टोरी तो सभी को पता है, कैसे रातों रात स्टॉक मार्केट ने मेहता को एक मिलियनेयर बना दिया। तो ये शेयर मार्केट आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है, शेयर्स क्या होते हैं, कैसे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कैसे हम मार्केट को ट्रैक कर पाते हैं, ट्रेडिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्या होती है जैसे डे ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो शेयर मार्केट के ऊपर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है और उसमें से ये पहली वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट के कुछ टर्मिनोलॉजीज एकदम सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ, जिससे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके बेसिक्स पूरी तरह क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं शेयर मार्केट के सबसे बेसिक कंसेप्ट से कि ये शेयर क्या होता है। मान लो कोई बिजनेसमैन है मिस्टर शर्मा और उनकी कोई कंपनी है शर्मा एंड कंपनी, जिसका वैल्यूएशन है 100 करोड़। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में अच्छा डिमांड मिल रहा है, जिससे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब शर्मा जी इस कंपनी को और ज्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाहते हैं। अब ये सारी चीजें करने के लिए उन्हें चाहिए 50 करोड़ की फंडिंग। अब ये जो फंडिंग है ना, उसे पाने के लिए शर्मा जी के पास दो रास्ते हैं, या तो कोई इन्वेस्टर या फिर फाइनेंसर ढूंढ ले जो कंपनी के विजन में बिलीव करके उन्हें 50 करोड़ दे दे। दूसरा ऑप्शन है कंपनी की कुछ हिस्सेदारी वो पब्लिक को बेच दे। तो वो क्या करते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पब्लिक को उनमें से कुछ शेयर्स बेच देते हैं। तो मान लो उन्होंने कुछ ऐसे 1 करोड़ शेयर्स एट द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज पर शेयर अगर पब्लिक में बेच दिए, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन से उनकी जो रिक्वायरमेंट थी 50 करोड़ रुपए की वो पूरी हो जाएगी। अब आप कहोगे इसमें लोगों को क्या मिलेगा, तो उन लोगों को इस कंपनी की हिस्सेदारी मिलेगी, यानी जिसके पास जितने शेयर्स है उतने प्रपोर्शन में वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। तो यहाँ पे एक शेयर का मतलब क्या हुआ, शेयर्स आर यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। आपके पास अगर किसी कंपनी के 5% शेयर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी के ओनरशिप में 5% हिस्सेदार बन जाते हो, तो उसमें से 5% प्रॉफिट एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टली आपको मिलेगा। इसका सिंपल आंसर है नहीं। देन हाउ डू पीपल मेक मनी आउट ऑफ दिस, इसके ना 2-3 मैकेनिज्म्स है। नंबर 1, बाय सेलिंग द शेयर्स एट अ हायर प्राइस, यानी आज जिस दाम पे आपने शेयर को खरीदा उससे ज्यादा दाम में शेयर्स को बेच के। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स निकाल रही है, तो हो सकता है आज जो शेयर 50 की वैल्यू में मिल रहा है वो आगे जाके 60, 70, 80 की वैल्यू में मिलने लगे। तो 50 रुपए का शेयर आप 80 में बेच के वो डिफरेंस एज अ प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा मैकेनिज्म है डिविडेंड। एवरी क्वार्टर हर कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना उसमें से वो शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, और ये डिविडेंड्स कैश, प्रॉपर्टी या फिर किसी भी एसेट फॉर्म में हो सकते हैं। दिस इज बेसिकली लाइक अ रिवॉर्ड टू द शेयर होल्डर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, जिससे कंपनी और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। पर जरूरी नहीं है सारी कंपनीज आपको डिविडेंड दे, कुछ कंपनीज डिविडेंड ऑफर करती है, कुछ नहीं करती। तीसरा मैकेनिज्म है बोनस शेयर्स। शेयर होल्डर्स में रिसीव एडिशनल शेयर्स बेस्ड ऑन देयर करंट होल्डिंग। कंपनी एक बोनस इशू रेशियो अनाउंस कर सकती है, जैसे हर 10 शेयर्स के लिए 1 शेयर एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 शेयर्स है और कंपनी का बोनस इशू रेशियो 1:1 है, तो प्रॉफिट होने पे आपको उन 100 शेयर्स पे एडिशनल 100 शेयर्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से। ये तो हो गई शेयर्स की बात, अब समझते हैं शेयर मार्केट कैसे चलता है और ये शेयर्स आप कहां से खरीदोगे और बेचोगे। मान लो आपको सोफा खरीदना है, तो क्या आप डायरेक्टली गोदरेज की कंपनी में जाके खरीदते हो? नहीं ना, आप मार्केट में उनके स्टोर में जाके खरीदते हो, राइट? ठीक इसी तरह इन शेयर्स के बाइंग और सेलिंग के लिए एक मार्केट एस्टैब्लिश किया है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, और इस मार्केट में स्टोर की तरह एक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस का आप डिफरेंस समझो। स्टॉक मार्केट इंडिया में सिर्फ एक है और उसके अंदर कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट इंडिया में ये 7 अलग अलग रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस मौजूद है, और इन स्टॉक एक्सचेंजेस में होते हैं स्टॉक ब्रोकर, जो एजेंट्स की तरह एक्ट करके आपके लिए बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करके उस पे एक कमीशन फी चार्ज करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू प्लेस अ बाय ऑर्डर फॉर अ शेयर इन द मार्केट, योर ब्रोकर पासेस ऑन द बाय ऑर्डर टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज उसी शेयर का एक सेल ऑर्डर सर्च करता है। जब एक सेलर और बायर मिल जाते हैं, एक फाइनल ट्रांजैक्शन के लिए प्राइस डिसाइड होती है, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आपकी ऑर्डर को कंफर्म करके आपके ब्रोकर को कम्युनिकेट कर देता है, और ये सारे ट्रांजैक्शंस लिटरली ना कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। जब भी आप न्यूज में सुनते हो स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया या फिर स्टॉक मार्केट आज क्रैश हो गया, इसका मतलब मल्टीपल पब्लिक कंपनीज जो अलग अलग स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में लिस्टेड है, उन सबका मिला के ओवरऑल परफॉर्मेंस अप या फिर डाउन है। तो अब इसमें और एक सवाल आता है कि ये मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते क्यों है और इन्हें ट्रैक कैसे किया जाता है। तो आंसर और फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें दो बड़े बेसिक से फॉर्मूलाज है। व्हेन द डिमांड फॉर द शेयर इज मोर देन द सप्लाई द प्राइस राइजेस, एंड व्हेन द डिमांड फॉर द शेयर इज लेस देन द सप्लाई द प्राइस फॉल्स। स्टॉक एक्सचेंज शेयर
शेयर प्राइस को लिस्ट करने के लिए एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। करंट स्टॉक प्राइस और ट्रेडेड वॉल्यूम के हिसाब से शेयर प्राइजेस को सेट करती है एंड दीज प्राइजेस चेंज वेरी फास्ट। तो अगर प्राइजेस इतने फास्ट चेंज हो रहे हैं हमें ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है? तो ये मार्केट ट्रैक होता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स से। ये एक मेजर है जो स्टॉक मार्केट की किसी भी इंडस्ट्री या फिर सेगमेंट के स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के स्टॉक्स। इंडिया में यूज होने वाले दो बड़े इंडाइसेस है सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स इज द स्टॉक इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन इंडिया। ये इंडेक्स BSE के टॉप 30 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इंडिया की कुछ सबसे लार्जेस्ट कंपनीज जैसे रिलायंस, महिंद्रा, इंफोसिस के स्टॉक्स होते हैं। और क्योंकि ये इंडेक्स सबसे बड़ी कंपनीज के मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है, वी अज्यूम दैट इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट कैसे चलता है ये तो हम लोगों ने देख लिया। ट्रेडर्स के लिए शेयर मार्केट एक प्लेग्राउंड की तरह होता है जहाँ पे वो ट्रेडिंग के लिए कई सारे स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो क्या है ये स्ट्रेटजीज और कैसे इनमें स्टॉक्स का बाइंग और सेलिंग किया जाता है? लेट्स लुक एट 3 मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसमें ना स्टॉक्स का बाइंग और सेलिंग सेम डे पे किया जाता है। ये ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के प्रॉफिट पे खेलते हैं और इसमें काफी ज्यादा क्विक डिसीजन और टेक्निकल एक्सपर्टीज लगता है। प्राइस फ्लक्चुएशन और मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा रिस्की वे ऑफ ट्रेडिंग है। बेटर आइडिया के लिए लेट मी टेल यू अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ डे ट्रेडर। डे ट्रेडर्स टिपिकली वेक अप अर्ली टू प्रिपेयर फॉर द ट्रेडिंग डे अहेड। उन्हें मार्केट शुरू होने से पहले प्री मार्केट एनालिसिस करना होता है, जिसमें वो ओवरनाइट मार्केट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक न्यूज और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को रिव्यू करते हैं। 9:15 बजे मार्केट ओपन होते ही शुरू हो जाता है उनका डे ट्रेडिंग सेशन, जिसमें उन्हें 4 बजे तक एक्टिवली स्टॉक्स को मॉनिटर करना होता है और टेक्निकल एनालिसिस करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। 3:55 को मार्केट क्लोज होते वक्त फाइनल प्राइस एडजस्टमेंट करके उन्हें स्टॉक्स बेचने होते हैं। आफ्टर 6 उन्हें वापस पोस्ट मार्केट रिव्यू भी करना होता है। आप सोच ही सकते हो कितनी ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ चाहिए एक डे ट्रेडर बनने के लिए। स्कैल्पिंग भी डे ट्रेडिंग जैसी ही एक और स्ट्रेटेजी है, जिसमें बाइंग और सेलिंग काफी ज्यादा शॉर्ट स्पैन जैसे सेकंड्स और मिनट्स में ही हो जाता है। नंबर 2, पोजीशन ट्रेडिंग। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें स्टॉक्स को एक लंबे समय तक यानी कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक होल्ड किया जाता है। इसमें शॉर्ट टर्म प्राइस से ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम सभी को पता है कि एप्पल कंपनी कई सालों से बहुत ज्यादा तगड़े प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती आई है। तो इस कंपनी के हिस्टोरिक ट्रेंड्स को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस कंपनी इज वेल पोजीशनड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, और लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक्स को बाय करना प्रॉफिटेबल होगा। नंबर 3, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के कहीं बीच में आता है, जिसमें ट्रेडर्स मार्केट के स्विंग के साथ यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के हिसाब से शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर एक ही वीडियो में मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूं कि आप उसे समझ ही ना पाओ, इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट के सिंप्लीफिकेशन को एक सीरीज में बनाना चाहता हूं और इस सीरीज का एपिसोड 2 बहुत ही जल्द आएगा। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।